राहुल गांधी अमेठी में हैं, जहां से चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला किया, रायबरेली शिफ्ट किए। राहुल गांधी क्यों रायबरेली गए, राहुल गांधी की क्या योजना है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब सवालों का जवाब राहुल गांधी थोड़ी देर में देने वाले हैं। आ रहे हैं राहुल गांधी, जुड़ेंगे हमारे साथ। बस थोड़ी सी देर में राहुल गांधी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने का कमिटमेंट किया, और जब कमिटमेंट वो करते हैं तो पूरा करते हैं। वो मैं राहुल गांधी को देख पा रहा हूँ, आ रहे हैं वहाँ पर और हेलीकॉप्टर में जाने से पहले राहुल गांधी जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी, अमित शाह 4 राउंड के बाद ही कह रहे हैं 272 का आंकड़ा तो पार हो गया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 में कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, संख्या क्या है? सबसे पहले दो चीज़ें हैं। एक, मुझे नहीं लग रहा है कि उनको 180-200 से ज़्यादा मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये तो आप लिख के ले लीजिए मुझसे। मगर मेन जो मुद्दा है चुनाव का, ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया, जो इनके नेता कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फेंक देंगे, रिजर्वेशन पे जो अटैक किया, बेरोज़गारी, जो करोड़ों युवाओं को इन्होंने बेरोज़गार किया, बहुत अच्छा चुनाव होगा हमारा, इंडिया की सरकार बनेगी। राहुल जी, एक सवाल बड़ा, आप कितने सालों से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप एक मैनिफेस्टो लाए, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा उसी मैनिफेस्टो की हो रही है, लेकिन मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट कौन करता है? वो करता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो आपने जब मैनिफेस्टो बनाया है तो इम्प्लीमेंट तो आप ही करेंगे? देखिए, मैनिफेस्टो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैनिफेस्टो में 2-3 बड़ी इश्यूज़ थी, ठीक है, महालक्ष्मी, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वो एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा में से आई है। वो मेरी सोच नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा पहली वाली एंड भारत जोड़ो न्याय यात्रा में से ये पूरा का पूरा थीम हिंदुस्तान के जनता ने मुझे बताया, हमें बताया, जो जैसे हमने जो महालक्ष्मी योजना की है, महिलाओं ने हमें बताया कि अगर आप पैसा महिलाओं को दोगे तो उसका बिल्कुल अलग मतलब होगा। तो ये आइडियाज़ हमने जनता से लिए हैं, तो मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, जनता का है। नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट आप करेंगे ना? अब वो तो देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है, जब हम जीतेंगे इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री। तो कह रहे हैं कि हर बार एक एक साल पे चेंज कर देंगे प्रधानमंत्री? वो तो ऐसे नहीं होगा, मगर इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा। एक सवाल ये भी जरा बताइए राहुल जी, एक सवाल हो गया। अच्छा, ठीक है, तो ये राहुल गांधी थे, राहुल गांधी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राहुल गांधी ने चुना हमें इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि कई सारे लोग उनको अप्रोच कर रहे थे, यहाँ पर देखिए पूरी भीड़ है, लेकिन राहुल गांधी ने जवाब दिया हमारे सवालों का न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। और इस वक्त उनकी देखिए यहाँ पर तस्वीरें कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर हैं और अब यहाँ से उड़ान भर रहे हैं। अमेठी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं यहीं का हूँ, यहीं का रहूँगा, एक तरह से रायबरेली वो क्यों शिफ्ट हुए इसके बारे में बताया उन्होंने, मैनिफेस्टो के बारे में बात की, प्रधानमंत्री के बारे में बात की। तो राहुल गांधी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अमेठी। राहुल गांधी अमेठी में हैं, जहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला किया, रायबरेली शिफ्ट किए। राहुल गांधी क्यों रायबरेली गए, राहुल गांधी की क्या योजना है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब सवालों का जवाब राहुल गांधी थोड़ी देर में देने वाले हैं। आ रहे हैं राहुल गांधी, जुड़ेंगे हमारे साथ। बस थोड़ी सी देर में राहुल गांधी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने का कमिटमेंट किया, और जब कमिटमेंट वो करते हैं तो पूरा करते हैं। वो मैं राहुल गांधी को देख पा रहा हूँ, आ रहे हैं वहाँ पर और हेलीकॉप्टर में जाने से पहले राहुल गांधी जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी, अमित शाह 4 राउंड के बाद ही कह रहे हैं 272 का आंकड़ा तो पार हो गया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 में कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, संख्या क्या है? सबसे पहले दो चीज़ें हैं। एक, मुझे नहीं लग रहा है कि उनको 180-200 से ज़्यादा मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये तो आप लिख के ले लीजिए मुझसे। मगर मेन जो मुद्दा है चुनाव का, ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया, जो इनके नेता कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फेंक देंगे, रिजर्वेशन पे जो अटैक किया, बेरोज़गारी, जो करोड़ों युवाओं को इन्होंने बेरोज़गार किया, बहुत अच्छा चुनाव होगा हमारा, इंडिया की सरकार बनेगी। राहुल जी, एक सवाल बड़ा, आप कितने सालों से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप एक मैनिफेस्टो लाए, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा उसी मैनिफेस्टो की हो रही है, लेकिन मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट कौन करता है?
वो करता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो आपने जब मैनिफेस्टो बनाया है तो इम्प्लीमेंट तो आप ही करेंगे। देखिए देखिए, मैनिफेस्टो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैनिफेस्टो में दो तीन बड़ी इश्यूज़ थी, ठीक है, महालक्ष्मी, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वो एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा में से आई है। वो मेरी सोच नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा पहली वाली एंड भारत जोड़ो न्याय यात्रा में से ये पूरा का पूरा थीम हिंदुस्तान के जनता ने मुझे बताया, हमें बताया। जो जैसे हमने जो महालक्ष्मी योजना की है, महिलाओं ने हमें बताया कि अगर आप पैसा महिलाओं को दोगे तो उसका बिल्कुल अलग मतलब होगा। तो ये आइडियाज़ हमने जनता से लिए हैं, तो मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, जनता का है। नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट आप करेंगे ना? अब वो तो देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है, जब हम जीतेंगे इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री। तो कह रहे हैं कि हर बार एक एक साल पे चेंज करने के प्रधानमंत्री, वो तो ऐसे नहीं होगा, मगर इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा। एक सवाल ये भी बताइए राहुल जी, एक सवाल हो गया, ठीक है। तो ये राहुल गांधी थे, राहुल गांधी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राहुल गांधी ने चुना हमें इंटरव्यू देने के लिए क्योंकि कई सारे लोग उनको अप्रोच कर रहे थे, यहाँ पर देखिए पूरी भीड़ है, लेकिन राहुल गांधी ने जवाब दिया हमारे सवालों का न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। और इस वक्त उनकी देखिए यहाँ पर तस्वीरें कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर हैं और अब यहाँ से उड़ान भर रहे हैं। अमेठी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं यहीं का हूँ, यहीं का रहूँगा। एक तरह से रायबरेली वो क्यों शिफ्ट हुए इसके बारे में बताया उन्होंने, मैनिफेस्टो के बारे में बात की, प्रधानमंत्री के बारे में बात की। तो राहुल गांधी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अमेठी। राहुल गांधी अमेठी में हैं जहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला किया, रायबरेली शिफ्ट किए। राहुल गांधी क्यों रायबरेली गए, राहुल गांधी की क्या योजना है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब सवालों का जवाब राहुल गांधी थोड़ी देर में देने वाले हैं। आ रहे हैं राहुल गांधी, जुड़ेंगे हमारे साथ। बस थोड़ी सी देर में राहुल गांधी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने का कमिटमेंट किया, और जब कमिटमेंट वो करते हैं तो पूरा करते हैं। वो मैं राहुल गांधी को देख पा रहा हूँ, आ रहे हैं वहाँ पर और हेलीकॉप्टर में जाने से पहले राहुल गांधी जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी, अमित शाह चार राउंड के बाद ही करें 272 का आंकड़ा तो पार हो गया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 में कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, संख्या क्या है? सबसे पहले दो चीज़ें हैं। एक, मुझे नहीं लग रहा है कि उनको 180-200 से ज़्यादा मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये तो आप लिख के ले लीजिए मुझसे। मगर मेन जो मुद्दा है चुनाव का, ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया, जो इनके नेता कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फेंक देंगे, रिजर्वेशन पे जो अटैक किया, बेरोज़गारी, जो करोड़ों युवाओं को इन्होंने बेरोजगार किया, बहुत अच्छा चुनाव होगा हमारा, इंडिया की सरकार बनेगी। राहुल जी, एक सवाल बड़ा, आप कितने सालों से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप एक मैनिफेस्टो लाए, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा उसी मैनिफेस्टो की हो रही है, लेकिन मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो करता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो आपने जब मैनिफेस्टो बनाया है तो इम्प्लीमेंट तो आप ही करेंगे। देखिए देखिए, मैनिफेस्टो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैनिफेस्टो में दो तीन बड़ी इश्यूज़ थी, ठीक है, महालक्ष्मी, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वो एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा में से आई है। वो मेरी सोच नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा पहली वाली एंड भारत जोड़ो न्याय यात्रा में से ये पूरा का पूरा थीम हिंदुस्तान के जनता ने मुझे बताया, हमें बताया। जो जैसे हमने जो महालक्ष्मी योजना की है, महिलाओं ने हमें बताया कि अगर आप पैसा महिलाओं को दोगे तो उसका बिल्कुल अलग मतलब होगा। तो ये आइडियाज़ हमने जनता से लिए हैं, तो मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, जनता का है। नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट आप करेंगे ना? अब वो तो देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है, जब हम जीतेंगे इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री। तो कह रहे हैं कि हर बार एक एक साल पे चेंज करने के प्रधानमंत्री, वो तो ऐसे नहीं होगा, मगर इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा। एक सवाल ये भी बताइए राहुल जी, एक सवाल हो गया, ठीक है। तो ये राहुल गांधी थे, राहुल गांधी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राहुल गांधी ने चुना हमें इंटरव्यू देने के लिए क्योंकि कई सारे लोग उनको अप्रोच कर रहे थे, यहाँ पर देखिए पूरी भीड़ है, लेकिन राहुल गांधी ने जवाब दिया हमारे सवालों का न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। और इस वक्त उनकी देखिए यहाँ पर तस्वीरें कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर हैं
और अब यहाँ से उड़ान भर रहे हैं। अमेठी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं यहीं का हूँ, यहीं का रहूँगा। एक तरह से रायबरेली वो क्यों शिफ्ट हुए इसके बारे में बताया उन्होंने, मैनिफेस्टो के बारे में बात की, प्रधानमंत्री के बारे में बात की। तो राहुल गांधी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अमेठी।